أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم بغیر کسی تکلف و تعارف کے میں سب سے پہلے تو عرض معذرت کر لوں آپ حضرات سے، اگر کوئی شخص کسی کام کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور اس کی ذمہ داری قبول کر لے تو وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی، اور یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے کہ بہرحال کم سے کم اس وقت تو میں اہلیت نہیں رکھتا تھا، صحت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی کہ اس علماء اور شعراء اور ارباب ذوق کی نورانی مجلس میں بیان فضائل و مصائب کا حق ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی اس کوتاہی کا جو کچھ بھی ذمہ دار ہوں وہ میں ہوں، اور اگر اس مجلس کا کچھ ثواب ہے تو وہ جناب مولانا سید جابر جوراسی صاحب کو ملے گا اور آپ حضرات کو، جن کے اصرار سے میں نے اس مجلس کا وعدہ کر لیا۔ مجلس خود اولاً آپ حضرات کے سامنے میں کیا عرض کروں گا، یہ لفظ مجلس ڈکشنری کے مقبرے میں بالکل بے جان پڑا ہوا تھا، لفظ مجلس سبحان اللہ، یہ قوامیس اور فرہنگوں اور لغات کے مقبرے میں بے جان پڑا ہوا تھا۔ اس لفظ مجلس کو بھی زندگی ذکر شہداء نے بخشی، یہ جو ایک اب وہ یوٹیوب پر بھی محفوظ ہے اور ہر جگہ محفوظ ہے، لیکن جو ہمارے نوجوان باہمت طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بار بار میں یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی جملہ کہا یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ڈکشنریوں میں
ये डिक्शनरियों की हकीकत ही है कि ये अल्फाज का मकबरा होती हैं, लफ्ज़ों का मकबरा हैं डिक्शनरियाँ, उसमें बिल्कुल बेजान अल्फाज होते हैं और बस अल्फाज ही होते हैं, वहाँ मानी होते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा मुगालता ये भी है, स्टूडेंट्स समझते हैं कि डिक्शनरी में मीनिंग मिल जाएंगी, डिक्शनरी में मानी नहीं होते, डिक्शनरी में मीनिंग नहीं होती। कुतुबे लुगात में मानी नहीं मिलते, वहाँ लफ्ज़ के बदले लफ्ज़ मिल जाता है, लफ्ज़ के बदले में लफ्ज़, लफ्ज़ के मुकाबले में लफ्ज़। मसलन अंग्रेज़ी उर्दू लुगत उठा लीजिए तो उसमें वाटर लिखा होगा एक तरफ, आगे पानी लिखा होगा, दोनों अल्फाज हैं। वाटर जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और पानी उर्दू या हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों लफ्ज़ हैं, मानी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। अगर डिक्शनरी में मानी मिल जाए तो ये डिक्शनरी बाकी ही नहीं रहेगी। इसका वजूद तहलील हो जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ फायर है मसलन, उसके आगे आग लिखा हुआ है, आतिश, आतश या आग, ये क्या मानी है? फायर अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और आतिश फारसी का और आग उर्दू और हिंदी का, ये सब अल्फाज हैं, मानी नहीं है डिक्शनरी में। अगर वहाँ आग हो तो किताब जल के राख हो जाए। वाज़े है ना, रोशन रोशन है ना ये नुकता। तो डिक्शनरी में कभी मानी तलाश ना कीजिएगा, मानी हमेशा जहान मानी में होता है। मानी का आलम कुछ और है, ये कागज पर अल्फाज होते हैं। इसीलिए याद रखिए कि कुरान मजीद के मानी भी मुफस्सरीन की लिखी हुई तफसीरों में तलाश ना कीजिएगा, इसलिए कि किताब में हमेशा अल्फाज ही मिलेंगे। मानी की तलाश हो तो जहाँ मानिए कुरान तक पहुँचने की कोशिश कीजिएगा और जहाँ मानिए कुरान, इसका नाम ही है दायरे अहले बैते मुस्तफ़ा। कुरान मजीद के किसी भी लफ्ज़ के मानी तलाश करने हो तो डिक्शनरी में ना तलाश कीजिएगा, डिक्शनरी में लफ्ज़ के बदले लफ्ज़ मिल जाएगा, मानी नहीं मिलेंगे। और तफसीरों का भी हाल यही है, तफसीर अल्फाज का मजमूआ। गुज़श्ता कई शबों से इस सिलसिले सफ़र में कुरान मजीद की यही एक आयत ज़हनों कल्ब पर छाई हुई है, ये मेरी कैफियत होती है। कभी कभी ये कैफियत होती है कि कई कई महीने मुसलसल बस एक आयत की फ़ज़ा में गुम रहता हूँ, छाई रहती है तबीयत पे वो आयत। वह आजकल यही आयत दिलो दिमाग को मुसख़र किए हुए है, इन्ना नहनो नुहयिल मौता। आवाज किसकी है ये? कलम कुदरत से, ये शरीर खम कुदरत से ये क्या सदा आ रही है? ये कल्ब मशीयत की आवाज है, ये कुरान मजीद के कल्ब सूरह मुबारक यासीन की वो आयत है जिसके आहंग पर तवज्जो करें। अर्ज़ कर चुका हूँ लखनऊ में
उस सब को दोहराना नहीं है। मालूम होता है कि वाकई दिल धड़क रहा है। जो लोग अहले ज़ौक हैं, अरबाब ज़ौक हैं, देखिए प्रोज हो या पोएट्री, हर चीज़ में एक आहंग होता है। इस पूरी कायनात में एक आहंग है, हर चीज़ में एक आहंग है। या आपकी रगों में जो लहू दौड़ रहा है, इसमें भी एक आहंग है। ये जो दिल धड़क रहा है, इसका भी एक अपना आहंग है। और ये जो सांस लेते हैं आप, इसका भी एक आहंग है। आप आबशारों के सामने चले जाएं, आबशारों में भी एक आहंग है, उस सदा में भी। ये जो हवाएं चलती हैं और दरख्तों की पत्तियां हिलती हैं, इसमें भी एक आहंग है। ये जब गुलिस्तान में कली चिटकती है, तो उस आवाज़ में भी एक आहंग है। तो मुख्तलिफ तरह के आहंगों से ये आलम हस्ती गूंज रहा है, मामूर है यहाँ। लेकिन इस पर सबसे गालिब आहंग जो है वो कुरान मजीद का आहंग है। और कुरान मजीद में इस मकाम पर तो बिल्कुल साफ महसूस होता है। अंग्रेज़ी में लिटरेरी इस्तिला है केडेंस, प्रोसोडी जो है ये अरूज है, इल्म अरूज के जो जिस पर आप शेर के मिसरों को वजन करते हैं, उसके आहंग को। और केडेंस जो है ये एक तरह का प्रोज यानी नसर का आहंग है। तो नसर में भी आहंग होता है और नज़्म में भी, दोनों में इम्तियाज़ है। क़ुरान मजीद की नसर के आहंग को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मालूम होगा जैसे दिल के धड़कने की आवाज़ है। इन्ना नहनो नहयल मौता, हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। इस फकरे पर भी 6-7 दिनों में बहुत कुछ गुफ्तगू हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। लेकिन अब आज इस पर कुछ नहीं अर्ज़ करूँगा, इसके आगे। वनक्तुबु मा क़द्दमु व आथारहु व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। इस आयत में जो मज़मून है वो फ़लसफ़े इलाहियात के दकीक तरीन मसाइल पर मुहीत है। लफ्ज़ी मुशगाफी से शुरू करें गुफ्तगू। अब ज़ाहिर है इन्ना नहनो नहयिल मौता की तरफ वापस नहीं जाऊँगा, इसलिए कि उसकी गुंजाइश नहीं है वक्त में, और ये इस सिलसिले की होया आखिरी मजलिस। वरना अभी इन्ना में भी बहस बाकी है, सिर्फ इन्ना, और नहनो में भी बहस बाकी है, और मौता और नहयी, इस सब में अभी बहुत गहरी बहसें मौजूद हैं। यानी यहाँ पर इल्म कलाम के नुक्ते नज़र से हकीकत अफ़आल इलाहिया पर ज़हन को मुतवज्जह किया है कुरान मजीद ने। एक है ज़ात इलाही, ज़ात, एक है पर उसके सिफात, फिर है उसके अस्मा, फिर है उस अस्मा के मज़ाहिर, उधर है सिफात, सिफात के मज़ाहिर, और फिर है अफ़आल इलाहिया, फ़िअल हक, फ़िअल हक। वाज़े है ये फ़िअल हक जो है इस पर तवज्जो तलब है। ये आयत नुहयी फ़िअल है या नहीं? इन्ना नहनु नुहयिल मौता, हम हैं हम। जब का हम हैं, पहला कहा जब हम हैं, ज़ात की तरफ तवज्जो दिलाई, और जब दोहरा के कहा हम हैं हम, तो ज़ात के साथ सिफात की तरफ तवज्जो दिलाई। मगर यहाँ मकाम इजमाल में है, यहाँ मकाम इजमाल में है। नहनो जमा की ज़मीर है ना, तो तमाम सिफात, सिफात की तरफ तवज्जो दिलाई, मगर
इजमाल के साथ, तो इन्ना ज़ात की तरफ तवज्जो मुनअतिफ हुई, नहनो ज़ात के साथ सिफात की तरफ तवज्जो मुल्तफित हुई, नुही सिफात के बाद अफ़ाल की तरफ तवज्जो मुल्तफित हुई। यानी सिर्फ इस एक आयत को समझने के लिए अबवाब तौहीद के तमाम फसूल से गुजरना पड़ेगा। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले वाले। इन्ना नहनो नुहयिल मौता, हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करने वाले। तो अब सिफात की कैफियत, सारे दुनिया के जो फलासफा हैं फीसागोरस से लेकर और अब तक कोई भी हो, बहसें सब ने की, हल कोई ना कर सका। सबसे बड़ा मसला सिफात हक में क्या है, न उसके अस्मा का हसर और शुमार किसी के जहन में मुमकिन है, न सिफात का। लेकिन अफ़ाल हक में सबसे बड़ी बात यह, वो खालिक है और हम मखलूक। खालिक और मखलूक के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है, ज़ाहिर खल्क का रिश्ता है, फ़िल खल्क, अल्लाह तख्लीक करता है, हम उसके मखलूक हैं। अल्लाह कैसे तख्लीक करता है, वो कदीम है और हम हादिस हैं। हादिस और कदीम में रिश्ता कैसे कायम हो सकता है, ये खुद एक मसला ऐसा है कि जिसने मीर बाकिर दामाद और मुल्ला सदरा तक, उनसे पहले से उनके बाद तक तमाम फलासफा को मशगूल कर रखा है कि हादिस और कदीम का रिश्ता है कैसे बरकरार, मुजर्रद और मादी का रिश्ता है कैसे बरकरार। ये मामूली बहसें नहीं है, उमूमन मदरसों में होती हैं, मिंबरों पे नहीं होती, मगर मैं मिंबरों पर इशारा इसलिए ज़रूर करता हूँ कि जैसे आप बुजुर्ग शायर, आप हजरात अभी मौलाना, आप हजरात जो अशार फरमा रहे हैं, सदियों की इल्मी रियाजतों के नतीजे में पैदा होने वाली फ़िक्रों और वसी होने वाले दामान तख़य्युल की अता हैं आपके अशार। ये उलमा की रियाजतें थीं, ये उलमा की रियाजतें थीं जो फैलती रहीं, वसी होती रहीं। मौत के बाद ये जिस्म अंसुरी पैवंद खाक हो जाता है, फिर हमारी रूह कहाँ रहती है। अब हुकमा ने कहा, हुकमा के एक मकतब ने, कि ये रूह जो है हमारी ये जिस्म मिसाली में रहती है, जिस्म मिसाली। अब आप समझेंगे कि जिसमें मिसाली का तस्करा इनकी ज़बान पे इसलिए आ रहा है कि बिदाया निहाया वगैरह कुछ पढ़ी होगी, इसलिए जिसमें मिसाली की बात कर रहे हैं। अब आपको हवाला दूँ, ना बिदायतुल हिक्मा अल्लामा तबा तबाई की, ना निहायतुल हिक्मा। अगर ये हमारी नई नस्ल सिर्फ मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर अलैहिर रहमा के कलाम का भी सही मुतालआ करे, तो ये इतना बड़ा ज़खीरा है कि जिसमें मिसाली का तस्करा हिकमत और फ़लसफ़े की किताबों में तो बाद में आप देखिएगा। मिर्ज़ा दबीर अलैहिर रहमा की एक बैत समाअत फरमा लें, वो फरमाते हैं, बादस फना न जिस्म मिसाली मिले मुझे। मिर्ज़ा दबीर रहमतुल्लाह अलैह, बादस फना न जिस्म मिसाली मिले मुझे, बस जिल्ले रहमत शहे आली मिले मुझे। ये दो मिसरे हैं मिर्ज़ा दबीर के, मगर कहाँ से कहाँ ले गए जहन को, वो भी जिस्म मिसाली। अब आज किसी यूनिवर्सिटी में उर्दू में एमए करने वाले तालिब इल्म के सामने ये बैत रखिए,
गई इसकी शरह करो। अगर वाकई किसी अच्छे उस्ताद ने उसे पढ़ा है तब तो बात और है, वरना वो जिसमें मिसाली पे आगे ठहर जाएगा, ये क्या चीज़ है। लेकिन आपकी मर्सियों में मौजूद है। कहाँ से आया? मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस अलैहिर्रहमा किन बुज़ुर्ग उलमा की सोहबतों में बैठते थे? और मीर अनीस अलैहिर्रहमा भी, मुफ्ती मीर अब्बास साहब से क्या रिश्ता था उनका? उस ज़माने के उलमा के आगे अपने ज़माने का शायर आज़म, लेकिन उलमा के सामने किस अदब से, किस खुजू से, किस खुशू से बैठते थे। और बहुत से शुआरा का तो ये आलम था कि अपने ज़माने के मुस्तनद उलमा से तन्हाई में मिलकर पहले अपना कलाम सुनाते थे, फिर कहते थे इजाज़त है मजलिस में पढ़ दो। इसलिए कि उनकी कैफियत क्या थी? कहा भाई देखिए, हम अहले काफिया हैं, हम अहले काफिया, ये फकरा था ना, जो अहले फ़न शुआरा हैं अहले काफिया हैं, जो अहले काफिया नहीं है वो शेर क्या कहेगा? अहले फ़न, हम तो अहले काफिया हैं, हम तो काफिये बांधना जानते हैं, लेकिन उकदा अफकार को खोलना तो आपका काम है। हिफ्ज़ मरातिब, बुज़ुर्गों में वो शान अभी बाकी है। आप देखिए, ये जब मिंबर पे पढ़ रहे थे अपना सलाम, तो किस तवाज़ो इनकसार के साथ इस फ़कीर से कह रहे थे कि आप ज़रा समाअत फरमाइएगा, हालांकि इन्हें मालूम है कि मैं नाशायर इंसान हूँ, लेकिन ये वो तहजीब है जो चली आ रही है, ये वो तहजीब है, रूह है तहजीब। अब हमारे यहाँ बहुत से, ये आवाज़ बहुत दूर तक जा रही होगी या जाएगी, बहुत से हजरात जो सही माना में अहले काफिया भी नहीं है, जो सही माना में अहले काफिया भी नहीं है, लेकिन उनमें क्या गुरूर है, क्या तकबर है। अच्छा ये जानते हैं ये गुरूर और तकबर होता क्या है? ये गुरूर और तकबर दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, और ये पैदा होते हैं जहल से। ये मेयार याद रखिएगा, जहाँ भी आ गए किसी भी मैदान में, कोई शोहरत के अतबार से कितने ही बड़ा आलिम फाजिल वगैरह 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 हो, अगर उसमें आप वाक़ियन फितरत सलीमा आपकी महसूस करें कि इस शख्स में गुरूर है तकब्बुर है, तो समझ लीजिएगा कि ये जितना बड़ा भी पढ़ा लिखा हो मगर पढ़ा लिखा जाहिल है। कहीं एक आँच की कसर ज़रूर रह गई है। इल्म जुज़्वे वजूद नहीं बना है, आबे हयात इल्म इसके ज़र्फ़े सिफाली में जज्ब नहीं हो सका है। तकब्बुर, गुरूर, तमकनत और साथ में इज़्तिराब, ये सब जो है वो जहल की पैदावार होता है। इल्म हमेशा इंसान में तवाज़ो, इंकसार, इखलास, बुर्दबारी, तहम्मुल और इत्मीनान पैदा करता है। कैसे ही हालात क्यों ना हो, इल्म घबराता नहीं,
इल्म इस्तेराब का शिकार नहीं होता। जंग भी क्यों, जंग भी अगर हो रही हो तो मैदान जंग में भी ये इल्म है जिसके कदम थमे रहते हैं, वो जहल है जो भागता हुआ नजर आता। इत्मीनान तो आम है, जहाँ इल्म होगा वहाँ इत्मीनान होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ इल्म होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ सब्र होगा। ये चीज़ें जमा नहीं हो सकती कि इल्म भी है बेसब्री भी है। इल्म भी है बेसब्री भी है, नहीं ऐसा ना कीजिए। बहरहाल ये तो दरमियान में बातें आ गई, अर्ज़ ये कर रहा था पर सबीले तस्करा। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है मौलाना, दिल दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं जवानों को देखकर, काश इनको ये भी बताता जाऊँ, ये भी जिक्र करता जाऊँ, ये भी जिक्र करता जाऊँ, तो पूरी तकरीर जो है वो जुमलाए मोतरजा से शुरू होती है, जुमलाए मोतरजा पे ख़त्म हो जाती है। कभी कभी यही कैफियत मेरे साथ तो अक्सर ये कैफियत होती है कि वह असल मज़मून जो है वो बस रमक जान की तरह बाकी रहता है जसद तकरीर में, और पूरी तकरीर का पैकर जो है वो जुमलाए मोतरजा से बनता है। कभी कभी ये होता, बहरा ये बात जबान पर आ गई थी कि जो ये फ़कीर अर्ज़ करता है कभी कभी कुछ बोझल इस्तलाएँ बाज़ मबाहिस तो हैं, लेकिन कदीम शुरा का जो कलाम है उदबा का रेफरेंस बार बार शेर व अदब का इसलिए देता हूँ कि ये वाकयान रब्त है जौहर इल्म में और मजहर इल्म में। शेर व अदब क्लासिकी शेर व अदब, और फिर बाराबंकी और जैदपुर और ये इलाके वो हैं कि जहाँ हमेशा एक तारीख है ताबनाक अहल ज़बान और अहल काफिया हजरात की, और वो भी वो अहले ज़बान और अहले काफिया जो सिर्फ खाली काफियों के हामिल नहीं थे बल्कि ज़बान और काफिया उनके मानी से लबरेज रहे हमेशा, जिन्हें ये हक़ था कहने का कि वो शायर और हैं जो बांधते हैं काफिये साहब। अब आम तौर पे लोग साहब कहते हैं ना, असल लफ्ज तो साहिब है, वो काफिये और वो शायर और हैं जो बांधते हैं काफिये साहिब, हमारे काफियों से उकदे अफकार खुलते हैं। वो शायर और हैं जो बांधते हैं काफिये साहिब, हमारे काफियों से उकदे अफकार खुलते हैं। तो उमूमन ख़ास तौर से फ़ज़ाए मजलिस अहले बैत, फ़ज़ाए आज़ा में परवान चढ़ने वाली ज़हानतें, और यहाँ परवान चढ़ने वाला जो ज़ौक़ सुखन है वो हमेशा आलम माना से मरबूत रहा है, और इसीलिए इन बुज़ुर्गों के यहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं। अब जो मुसलसल में अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि ये जो आयत है और जो हकीकत आप सब पर रोशन है, आप में से किसी को इस हकीकत में शुबा नहीं है कि हमें जो ज़िंदगी का हिस्सा मिला है ये ऐसा हिस्सा नहीं है जो कभी देने वाला वापस ले ले, वो फ़याज़ अलल इतलाक़ है। हम में से कोई बुज़ुर्ग किसी को कुछ देता है कोई चीज़ तो वापस नहीं लेता, और ये अहकाम फ़िक़हिया में से है। अहकाम हिबा और अहकाम अतिया की बात बाप पढ़ लीजिए, चाहे वो लुम्हा में हो या उससे ऊपर की किताबों में, तो हिबा और अतिया के अहकाम में ये भी है, किसी ने किसी को अगर कोई आपस में रिश्ता नहीं है कुछ दिया तो उसके कभी
हिबा जो है वो एवज़ के मुकाबिल में होता है, कभी हिबा जो है वो एवज़ के मुकाबिल में नहीं होता, उसके अपने अहकाम हैं। वो अक़्द लाज़िम है गोया, अक़्द जायज़ है। और कभी ये होता है कि बाप ने कोई चीज़ बेटे को हिबा कर दी, सगे भाई ने सगे भाई को हिबा कर दी। ये हिबा जो उलूल अरहाम में है, जहाँ नज़दीकी रिश्ता है, ये अक़्द जायज़ नहीं, अक़्द लाज़िम हो जाता है। दे दिया उसका हो गया, आप वापस नहीं ले सकते। वाज़ेह है, जहाँ रिश्ता बहुत नज़दीक का हो तो जो दे दिया वापस नहीं ले सकते। जिस अल्लाह ने ये शरीयत नाजिल की है उससे हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। खालिक और मखलूक का रिश्ता है, बाप और बेटे के रिश्ते से ज्यादा बढ़कर, हर एतबार से, बातनी एतबार से भी, ज़ाहरी एतबार से भी, और वो ज़ाहरी एतबार से भी और बातनी एतबार से, वो कहता है हम तुम्हारी रगे हयात से ज़्यादा नज़दीक दर हैं। इतना नज़दीक का रिश्ता रखने वाला कोई चीज़ दे कर वापस क्यों लेगा। वो जिसे ज़िंदगी दे देता है वापस नहीं लेता, तो फिर बात वहीं पहुंची इतनी घूम फिर के, यानी मौत फना का नाम नहीं है। ज़िंदगी उसने दी है, ये हमारे और आपके ज़ौक़ और हमारे और आपके एहतमाम और हमारी और आपकी क़दरदानी और क़द्र शनासी पे मुनहसर है कि उसका ये दिया हुआ हिस्सा ज़िंदगी, उसका दिया हुआ ये तोहफ़ा ज़िंदगी, उसकी दी हुई ये शय हम किस कदर संभाल के और कितना सजा के संवार के रखते हैं। कोई गैर मामूली शख्स, मामूली सा शख्स मामूली सी चीज़ आपको दे दे, आप उसे अपने घर में कोई बहुत एहतमाम से नहीं रखते। लेकिन कोई गैर मामूली शख्स आपको इनाम इकराम के तौर पर, एवार्ड के तौर पर कोई बहुत नफीस और कीमती शय दे, आप उसे सजा के रखते हैं। कभी कभी उसको सजा के रखने के लिए उस ताक को सजाते हैं जिसमें वो रखना है। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं गोल्ड मेडल और ये और वो, बहुत बड़े बड़े इनाम लाते हैं, या इवन यानी मुलाजमतों में, नौकरियों में, जहाँ भी ज़िंदगी के मैदान में उन्हें इनाम इकराम मिलते हैं, उनके ड्राइंग रूम में जाइए, सजा हुआ ड्राइंग रूम होता है और वहाँ वो इनाम इकराम सजे हुए होते हैं। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी का इनाम दिया है, हमें इस ज़िंदगी की कदरदानी के लिए इस रूह की भी कदर करनी है और रूह को बाकी रखने के लिए इस दुनिया में इस ताक़े जिस्म को भी सजा के रखना है। इस जिस्म की भी कदर करें, इसको भी सजा संवार के मजबूत बना के रखें, और इसके अंदर जो रूह है उसे भी। ये अलग है कि ये निज़ाम इलाहिया है, ये निज़ाम इलाही है, ये हिकमत इलाहिया है कि यहाँ जब तक हैं तो ये जिस्म है, इसके अंदर एक और लतीफ़ जिस्म है, उस लतीफ़ जिस्म को कहते हैं जिसमें मिसाली या जिसमें बरज़खी, उसी को कहते हैं। और फिर उस लतीफ़ जिस्म के तवस्सुत से रूह हमारे इस अंसुरी वजूद से मुतअल्लिक है। ये सब पैवंदकारियाँ हैं दस्ते कुदरत की है? वरना रूह क्या है? मुजर्रद। जिस्म क्या है? अंसुरी। मुजर्रद और अंसुरी, मुजर्रद और मादी में पैवंदकारी कैसे होगी? मुश्किल है। जैसे वो मुश्किल थी जिसकी तरफ अभी इशारा किया था, खुदा कदीम, खुदा मुजर्रद, खुदा मा फौक तजर्रद, और हम अंसुरी मादी, हमारा उसका रिश्ता कैसे बरकरार हो सकता है? हादिस का कदीम से रिश्ता कैसे बरकरार हो सकता है? पहले वो लखनऊ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती थी किताबें, अब शायद मुझे नहीं मालूम पढ़ाई जाती हैं या नहीं, तमाम मदारिस दीनिया में पढ़ाई जाती थी,
باقر داماد کی کتابیں اور ملا صدرہ کی کتاب، اور اس میں یہ بحث بطور خاص جو میر باقر داماد نے پیش کی تھی پہلی مرتبہ، جس کا عنوان ہے نظریہ حدوث دہری، نظریہ حدوث دہری۔ آگئی بات یہاں تک تو جو جوان حضرات فلسفی اور سائنس کا ذوق رکھتے ہیں ان کے سامنے ذکر کر کے آگے بڑھوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ یہ نظریہ حدوث دہری ہے کیا؟ آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، واہ واہ، پھر یہ موضوع لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تھی۔ آج جو یہ موضوع میں پیش کر رہا ہوں، کل یہ آپ کے حسین شعر میں ڈھل جائیں گے، اور ان مضامین کے توسط سے بہت سے ابواب فضائل روشن ہوں گے، بہت سی روایتیں جو معصوم امین علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے تعلق سے ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی۔ اب اس دور میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو معصومین کے معجزات کے منکر ہو رہے ہیں، اصلاً معجزات کے منکر ہو رہے ہیں، کلمہ گو ہیں مگر معجزات کے منکر ہیں۔ بعض تو ہمارے ہاں کلمہ گو میں بھی اب بہت مطلب سوچ کے کہنا پڑتا ہے، کچھ ہیں جو ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں اب، کچھ ہیں جو دو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہاں، اور کچھ ہیں جو تین کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ ہیں جو چھ چھ کلمے پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو ایک ہی کلمہ پڑھ کے ساری حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ ہیں جو چھ چھ پڑھ کے کسی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ یہ سب حالات ہیں، تو گفتگو کرتے وقت بہت کچھ سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اہل کلمہ ہو کر، اہل کلمہ لا الہ الا اللہ ہو کر کوئی شخص معجزات کا انکار کرے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے، سائنٹیفیکلی امپاسبل ہے۔ جو شخص کسی پاسبل کو سائنٹیفیکلی امپاسبل کہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ادھورا سائنٹسٹ ہے، وہ خود سائنس کا مکمل شعور نہیں رکھتا۔ بہرحال اب ٹھہر کے، یہ سب میں نے اشارہ کر دیا نا، آپ کا ذہن بیدار ہے تمام ابعاد کی طرف، کہ اگر یہ گتھی سلجھ گئی، یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، تو بہت سے معجزات بھی سمجھ میں آئیں گے۔ وہ معجزات الہیہ جو انسانی زندگی میں موجود ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گے، اور وہ معجزات الہیہ جو انبیاء اور ائمہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے وہ بھی سمجھ میں آئیں گے۔ یہ بات اگر سمجھ لیجئے جو کانسیپٹ آف ٹائم یا حقیقت وقت سے متعلق ہے۔ حادث اور قدیم، قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ، ہمیشہ سے ہمیشہ۔ یہ ایک تعبیر ہے جو زبان کی عاجزی کا سجدہ ہے، یا زبان و بیان کا عاجزانہ سجدہ ہے اس حقیقت سرمدی کے سامنے۔ ہم سب علم کلام کی کتابوں تک، تو ایک وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، اور ہم، ارے سچی بات تو یہ کہ نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے۔ اچھا چل لیجیے، مان لیجیے اس وقت ہیں ہم، مگر 50-60 برس پہلے، 70 برس پہلے ہم تھے؟ نہیں تھے۔ اور 10-20 برس بعد ہم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہوں گے تو ابھی ذرا یہ تعلیمی مجبوریاں ہوتی ہیں، تھے بھی اور ہوں گے بھی، ہو گئی نا بات، بہت جلدی نہیں فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ ایک جملہ عرض کروں، آپ حضرات کا وجود بہت قیمتی ہے، ہمارا آغاز ظرف علم الہی اور دامن مشیت الہیہ سے شروع ہوتا ہے، ہمارا وجود، ہمارا آغاز اور ہمارا انجام سایہ رحمت الہیہ ہے۔
हमारी हस्ती का सफ़र इल्म इलाही से रहमत इलाही तक है। सलावात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसाइल वजूद के बड़े पेचीदा हैं, ये पेचीदगी अगर हल नहीं होती तो इंसान शतहलियात कहने लगता है, वरना हमारा वजूद जाहिर 50-60 बरस नहीं था, पहले नहीं था। आदम वजूद में बदल ही नहीं सकता, आदम वजूद में नहीं बदल सकता, और आदम से वजूद नहीं आता। आदम आदम है, आदम तो लाश है, आदम बुतलाने महज है, वजूद से वजूद पैदा होता है। तो हम अगर आज मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं दामने वजूद में थे और कहीं ना कहीं दामने वजूद में रहेंगे, इसलिए कि आदम वजूद में नहीं बदल सकता, वजूद आदम में नहीं बदल सकता। तो हम थे दामने इल्म इलाही में और रहेंगे साये रहमत इलाही में, ये एक अलग बहस है। लेकिन इसी बहस को अब दामने इल्म इलाही में सब कुछ था, सबसे पहले जो जाहिर हुआ उस नूर का नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। एक और सलावत पढ़ दे मुहम्मद। चलिए ठहर, तो बात तो ये निकल आई थी ना कि कदीम और हादिस में रिश्ता कैसे है, खुदा में और हम में रिश्ता कैसे है, आखिर फ़ेल इलाही और कैसे रहेंगे हम आइंदा और कैसे हैं इस वक्त, ये फिलासफी फिलासफर्स के दरमियान बहुत मुश्किल है। इल्म कलाम में भी ज़माने महूम और ज़मान टाइम है क्या आखिर, जब हम कहते हैं कब से, जो इस कब से पहले भी ज़माना था या नहीं, अगर कहें हाँ इस ज़माने से पहले भी ज़माना था, यानी ज़माने से पहले ज़माना था। अब ये सब पेचीदगियाँ तो बस इशारा करके आगे बढ़ जाए, है ना। मीर बाकिर दामाद नाम के एक फ़लसफ़ी गुजरे, जो फ़लसफ़ी भी थे, आलिम भी थे, फ़कीह भी थे, मुफस्सिर भी थे, और तफसीर सहीफ़ सज्जादिया भी लिखी है उन्होंने, और अपने वक्त हकीम कामिल। उन्होंने एक हकीक़त बयान की है और उसके बाद उनके इस कलाम को समझने के लिए दूसरे हुकमा ने ज़रा कम लुत्फ़ी से काम लिया, हत्ता कि उनके शागिर्द ने भी। वो कहते हैं कि इस आलम हस्ती में ये जो नज़र आ रही है हमारी आँखों से, दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ हैं जो साबित हैं और कुछ हैं जो मुतगैर हैं, कुछ चीज़ें जो साबित हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुतगैर, मुसलसल उसमें तगैर है। और जहाँ तक आप नज़र दौड़ा के देखें इस सूरज की रोशनी में, हर चीज़ में तगैर नज़र आता है, हर चीज़ में बराबर चेंज तगैर और इर्तिका मौजूद है। कुछ चीज़ें जो साबित हैं, तो इन दो तरह की चीज़ों में रिश्ते किस तरह के कायम होंगे, तीन ही तरह के हो सकते हैं, एक साबित का साबित से रिश्ता, एक साबित का मुतगैर से रिश्ता, और एक मुतगैर का मुतगैर से रिश्ता। वाज़े है, तीन तरह के जब रिश्ते हुए तो तीन तरह के ज़र्फ दरकार होंगे हमें। तो सवाल यह है कि मुतगैर से मुतगैर का रिश्ता जहां है वो है ज़र्फ़ ज़मां, वो है टाइम, ज़र्फ़ ज़मां। मुतगैर का साबित से जो रिश्ता है वो है ज़र्फ़ दहर, और साबित का साबित से जो रिश्ता है वो है ज़र्फ़ सरमद। अभी तक अंग्रेजी जबान में मुनासिब लफ्ज़ हैं नहीं,
जो इन फलसफियाना और इलाहियाती मतालिब को अदा कर सकें। एक है जमा, आप तीन दायरों का तसव्वुर कर लें तालीमी लिहाज। एक है छोटा सा दायरा, इसका नाम है जमा। एक है उसके ऊपर बहुत बड़ा दूसरा दायरा, जिसका नाम है दहर। और उसके ऊपर एक आलम है जिसकी कोई इंतहा नहीं मालूम, वह है सरमद। जितनी चीज़ें मुतगैर हैं ये आलम जमान में है, ज़र्फ ज़मान में है। और जो चीज़ साबित और मुतगैर के दरमियान रिश्ता है ये आलम दहर में है। और एक रिश्ता वो है जो सरमदी आलम में है, ज़ात हक समदी है और सरमदी। अल्लाह की ज़ात समदी है और सरमदी। उसके बाद वो तमाम हकायक जो ज़र्फ़ इल्म इलाही में हैं। आप कहेंगे कि साबित और साबित का रिश्ता क्या है? अल्लाह की एक सिफत है इल्म, अल्लाह ही की एक सिफत है कुदरत। अल्लाह तो एक है, वह सिफतें दो हैं ना। इल्म का कुदरत से रिश्ता किस आलम में है? वो आलम सरमद है। और इल्म और कुदरत के रिश्ते से जो चीज़ वजूद में आएगी वो आलम दहर में होगी। और जो उसके मज़ाहिर होंगे वो कहाँ होंगे? वो आलम जमा में होंगे। अब वो हस्तियाँ, बहुत तफसीली बहस समेट के इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, वो हस्तियाँ जो इस दुनिया में रहकर, यहाँ इस आलम जमा में रहकर, यानी इस ज़मीन पर रहकर आलम सरमद की हकीकतों को दिखा दें, सब कौन सा सबक पढ़ाने हैं क्या? ये जमा और सरमद और दहर, ये मीर बाकी दामाद को इस्फहान से उठा के यहाँ क्यों ले आए हैं इस वक्त? जब कोई एतराज करे आप पर तो आप उसे ये बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्लियर नहीं है, आप ट्रिलॉजी ऑफ टाइम से वाकिफ नहीं है, आप जानते नहीं कि जमान और दहर और सरमद के अवालिम एक दूसरे से कैसा रब्त रखते हैं। और हमारे यहां अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरी एक बात और अर्ज कर, एक और सलावत पढ़ो, मुश्किल को समझ लीजिए। मैं दो एक मजलिसों में कह चुका हूँ कि ये आलम जो है, ये आलम ज़ाहरी, ये है आलम तज़ादात, ये अज़दाद का आलम है। उनसुरी आलम, मादी आलम में अज़दाद बहुत हैं। यही नहीं सिर्फ के खैर व शर में ज़िद है, खैर के मुख्तलिफ मज़ाहिर में भी आपस में अज़दाद का रिश्ता है। ये इस आलम की मजबूरी है, ये इस आलम की वजह, ये इसीलिए इसको कहते हैं तंग नाए दहर। यहाँ की मजबूरी है, मजबूरी ये है यहाँ की। जमान क्या है? जमानी हकीकतें और मकानी हकीकतें क्या हो जाती हैं? यहाँ उनमें तकस्सुर के साथ वहदत, वहदत के साथ तकस्सुर मुमकिन नहीं है। यहाँ हमारे आपके लिए, मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ इस वक्त, ये मुमकिन नहीं है कि इसी वक्त, बिल्कुल इसी वक्त
आज ही इसी वक्त इसी तारीख में, क्या तारीख है, 29 तारीख जून की रात के 10 बजे फ़कीर अकील बाराबंकी में भी मजलिस पढ़ रहा हो, लखनऊ में भी मजलिस पढ़ रहा हो, अलीगढ़ में भी मजलिस पढ़ रहा हो, दिल्ली में भी पढ़ रहा हो, लंदन में भी पढ़ रहा हो, ये मुमकिन नहीं है, वाकई मुमकिन नहीं है हम जैसे अफराद के लिए, क्योंकि आलम है। लेकिन आलम सरमद और आलम दहर में ये तकसर मुमकिन है, वहाँ मुमकिन है। कहाँ मुमकिन है? आलम दहर में। अब ये फ़लसफे किताबों में मुफसले में हवाला दे के आगे पढ़ लो। अब अगर कोई ऐसा मिल जाए जो यहीं इसी आलम जमा में हमें आलम दहर के करामात दिखा दे, तजादात नहीं है, तजादात हैं। ये जिसम मादी मुमकिन नहीं है कि एक वक्त में इस हयीज़ मकान में भी हो और फिर दूसरे हयीज़ मकान में भी हो, मुमकिन नहीं है। इस जगह भी रखा हुआ और वहाँ भी रखा हुआ, मुमकिन नहीं। लेकिन इसी जमान और मकान में अगर कोई ये कमाल दिखा दे कि एक नहीं दो नहीं 40 जगह अगर उसे बुलाया जाए, मौजूद हो। बहुत से हमारे हजरात कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ़ है और बेसनद है और ये है वो है। इन शुहदा की तरबियत करने वाला इमाम राहिल हजरत आयतुल्लाहिल उज़्मा आरिफ फ़कीह वलीउल्लाह जनाब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मबाहिसे माद में इस रिवायत का हवाला दिया है और इसे बतौर मुसल्लम कबूल किया है। किसी शक और शुभे की गुंजाइश नहीं है कि 40 मकामात पर अली इब्न अबी तालिब की दावत की गई एक ही शब में एक ही वक्त में और वो तमाम जगहों पर मौजूद थे। जो आलम जमान में आलम दहर और आलम सरमद की तजल्लियां दिखा दे अगर वो इमाम कायनात न होगा तो फिर कौन होगा? जब जिंदगी करते बसर करते हैं तो जाहिर है ये जिस्म ये सब जरूरी है यहाँ के लिए, यहाँ के लिए जमीन पर चलने के लिए जमीन जैसी किसी चीज का बना हुआ बदन जरूरी है। फजा में परवाज करने के लिए वो लतीफ शय चाहिए जो फजा आपको परवाज में परवाज कर सके और साथ में फजा को इतनी कवि भी हो कि फजा को चीरती हुई आगे निकल जाए। लेकिन इस जमीन पे चलने के लिए तो जमीन जैसी मिलती जुलती सिनखियत हो, सिनखियत हो एक जैसी चीज। तो यहाँ हम आप तो हैं खाक के पुत्रे लेकिन हकीकतन अल्लाह ने हमारी तरबियत के लिए जिन्हें भेजा था जाहिर में खाक के पुतले नजर आते थे, वरना जिस्म से लेकर जान तक और जान से लेकर जिस्म तक वो तो हक सुबहाना हुआ ताला के नूरानी बंदे थे, नूरानी बंदे थे। और इसीलिए वो इस आलम जमान पर हुकूमत करते थे, आलम जमान के शराइत उन पर हाकिम नहीं थे। वाह 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 वाह
आप हजरात वाह वाह करें, सुभान अल्लाह करें, बहुत से लोग फर्द जुर्म आयद कर रहे होंगे बैठकर। गाली है, ये गाली है। अब बस एक लफ्ज पे इक्तफा कर देते हैं, ये गुलू नहीं है। इनकी मर्तबा शनासी की राह में फिक्र करें, एतिकाफ करें, आयात कुरानिया को समझें। इसी आयत को इन्ना नहनु नुहयिल मौता, नुहयिल मौता मुर्दों को जिंदा करते हैं या जिंदा रखते हैं, क्या तर्जमा करें? अब पाँच छः मजलिसें गुजर गईं मगर ये तालिबे इल्म इसने अभी ये बहस तो नहीं छिड़ी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें रास्ता दिखा, हिदायत का रास्ता दिखा या हिदायत के रास्ते पर कायम रख। है दो वही इहदिना। अब यहाँ नुहयिल मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं या हम मुर्दों को जिंदा रखते हैं? ये भी एक बहस है ना। बस इशारा कर दिया, हल अभी नहीं करूँगा, उलझा दिया, उलझे रहिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मकामात हैं, ये अहम बहसें हैं, ये तालिबे इल्माना शेखी और शोखी नहीं है, ये अहम, ये तालिबे इल्माना तसाउलात नहीं है, ये अहम मकामात हैं। वो मुर्दों को जिंदा करता भी है, वो मुर्दों को जिंदा रखता भी है। और रखता किस तरह है? जिस्म मिसाली में। ये जिस्म मिसाली की एक खसूसियत अर्ज कर दूँ, इसी पर आज मजलिस खत्म हो जाएगी। मतलब जिस्म मिसाली की खसूसियत क्या? ये जो मादी जिस्म है, अंसुरी बदन है, ये कुछ खसूसियतें रखता है। इसमें अब आदे सलासा हैं, जो थ्री स्पेशल डायमेंशंस हैं, मकानी अबाद, गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ये इस जिस्म में है। साथ में इसमें वजन है, वेट है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सी खसूसियात हैं इस बदन में। जिस्म मिसाली उसे कहते हैं कि जिसमें कुछ खसूसियतें इसकी हैं और बाकी खसूसियतों से वो आरी है, मुजर्रद है। तो वो बीच की चीज़ है, आलम तजर्रुद से भी जुड़ा हुआ है, कुछ आलम मुजर्रद के खसूसियात हैं उसमें और कुछ आलम मादी के, इसलिए वो आलम मादी और आलम मुजर्रद के दरमियान में है। ये आलम मिसाली आप अपना भी और दूसरों का भी देखते भी रहते हैं अल्लाह के लुत्फ से। उमूमन लुत्फ खुदा से आप अपनी आँखों से सोते हुए देखते हैं। जब आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब ख्वाब लुत्फ इलाही है। ख्वाब किसी बाज़ार में बिकता है? ख्वाब किसी खेत में काश्त करते हैं? किसी दवा खाने से ख्वाब देखने के लिए राहें खुल जाती हैं? ख्वाब लुत्फ इलाही है। अल्लाह ने इंसानों को ख्वाब की शक्ल में हुज्जत कायम की है अल्लाह ने, कि ख्वाब की शक्ल में उन्हें आलम मिसाल और आलम तजर्रुद के अवालिम से रोशनास कराया है। जो ख्वाब देखता हो और ख्वाब को समझने की भी कोशिश करे, फिर उसकी अकल के शायान शान नहीं है कि वह हयात बादल मौत का इनकार करे, जन्नत का इनकार करे, जहन्नम का इनकार करे, बरज़खी ज़िंदगी का इनकार करे। शायान शान नहीं है, खिलाफ अकल बात है। हम ख्वाब में क्या देख लेते हैं? जल्दी से एक इशारा बस। खुद अपने आप को भी देखते हैं कि हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, और अपने बाज़ बुज़ुर्गों को भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। हमारे वालिद मरहूम का इंतकाल हो चुका,
हमने उन्हें ख्वाब में देखा और वो एक बामानी बात कह रहे हैं हमसे और हमें एक पैगाम दे रहे हैं। आँख खुली तो हम तो बिस्तर पे पड़े हुए थे, हमारी आँखें भी बंद थी, मुँह भी बंद था, ना हम बोल रहे थे ना कुछ। ये देखिए कि जब इंसान सो रहा होता है तो तजर्बा करके देख लीजिए, एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हों और एक शख्स सो रहा हो गहरी नींद, तो जो करीब में बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं उनकी बातचीत नहीं सुन रहा है वो। नींद क्या आई कि कानों पे पर्दे पड़ गए, या कानों के पर्दों पर मोहर लग गई, पर्दे समाज अब इधर की बात सुन नहीं रहा है। नींद क्या आई कि आंखें बंद हो गई, नींद क्या आई कि बिल्कुल आप अपने वजूद से और अपने अतराफ से गाफिल हो गए, किसी कुछ खबर नहीं होती कि मैं जहाँ पड़ा हुआ सो रहा हूँ आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आ कौन आया कौन गया, और अंदर ख्वाब में जन्नत की सैर कर रहे हैं। हम बाग में थे, हमारे बाबा आए, हमारे दादा आए, उन्होंने ये कहा, हमने सुना, हमने ये जवाब दिया, वो फल रखे हुए थे, हमने खाया। सुभान अल्लाह, ये जो आपका जिस्म एक ही वक्त में आप सुन नहीं रहे हैं और सुन रहे हैं, खा नहीं रहे हैं और खा रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं और पहचान रहे हैं, अब समझ में आया कि आपके अंदर दो आलम मिल रहे हैं। आपके अंदर दो आलम मिल रहे हैं, बस हमारी आपकी मजबूरी है कि हम ज़ईफ़ुल बुनियान हैं। हम जब आलम आखिरत की तरफ तवज्जो करते हैं तो आलम दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, और जब आलम दुनिया की तरफ मुल्तफित होते हैं तो आलम आखिरत से कट के रह जाते हैं। जो कवि होते हैं, अली होते हैं, वो बराबर से दोनों आलम पर हुकूमत। काम जारी हो रहे हैं जमान के, वो जो जिस्म में, वो जो जिस्म ख्वाब में देख रहे हैं उसी का नाम है जिस्म मिसाली, जो मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमान ने फरमाया है कि बादस फना न जिस्म मिसाली मिले मुझे, बस जिल्ले जिल्ले रहमते शहे आली मिले मुझे। एक दुआ है शायराना, वरना मिलेगा तो जिस्म मिसाली। बहरहाल वो जो जिस्म मिसाली है उस पर आलम जमान के अहकाम नहीं चल रहे हैं, उस पर आलम दहर के अहकाम हैं। देख रहे हैं दो दायरे, ट्रिलॉजी ऑफ टाइम समझ में आ रही है, तसली से वक्त, तसली से जमा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। मन को समेट लो, ये जो जिस्म मिसाली है इसमें भी आप खुद फर्ज कीजिए, आपके चार रिश्तेदार हैं, पांच रिश्तेदार हैं, दस रिश्तेदार हैं, ये मुमकिन है या नहीं? मुमकिन ही नहीं, वाकई भी है कि एक ही रात में सब ने आपको ख्वाब में देखा, या कोई गुजर गया है इस दुनिया से, बेटी उठी कहा मैंने बाबा को ख्वाब में देखा, बेटा उठा उसने भी कहा मैंने भी बाबा को ख्वाब में देखा, बीवी उठी बेवा उसने कहा मैंने भी अपने शौहर को तुम्हारे बाबा को ख्वाब में देखा, माँ उठी उसने कहा मैंने आज बेटे को ख्वाब में देखा, सब कह रहे हैं आज मैंने ख्वाब में देखा। वो एक सबके ख्वाब में कैसे आ गया?
इसलिए कि उसका जिस्म मिसाली उसकी रूह इस आलम जमान के अहकाम से बालातर हो चुकी है। अब वो आलम दहर में है, इसलिए वो सबके ख्वाब में आ रहा है अपने जिस्म मिसाली के साथ। जैसे वो 4 या 40 या 4000 के पास अपने जिस्म मिसाली से आ सकता है, अली ए आली इस जमान में भी हर एक के पास आ सकता है, कभी मदद करने के लिए, कभी तसल्ली देने के लिए, कभी कभी हक का पैगाम अदा करने के लिए, मुख्तलिफ उमूर अंजाम देने के लिए। और इसीलिए फरमाया है या हर हमदान मयमुत मोमिन औ मुनाफिकुन इल्ला यरनी क़ब्ल मौते। ए हारिसे हमदानी, कोई नहीं मरने वाला है जो इस दुनिया से मरे, मोमिन हो या मुनाफिक, मगर मुझे देखता है, मैं उसके सामने मौजूद होता हूँ। जाने वाला जा रहा है, कितने लोग हैं जो हमारे दरमियान से गुजर गए और लोग उनके सिराने पढ़ के बैठ के सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, इन्ना नहनु नुहयिल मौता पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई नहीं नज़र आ रहा है। और ये जो जा रहा है इसे कोई नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब नज़र आ रहा है कोई। ये जो नज़र आ रहा है ये हक का वली है, ये अली है, ये वो है जिसे कवी ने कवी बनाया है, ये वो है जिसे अली ने अली बनाया है, ये वो है जिसे कदीर ने कदीर बनाया है। गुफ्तगू इसी तरह जारी रही या जारी रखूं तो फिर वही अंजाम होगा जो उमूमन हर मजलिस के बाद हो जाता है मेरा, इसलिए गुफ्तगू बिल्कुल अधूरी छोड़ दूँ और फ़ज़ाइल से लेकर मसाइब तक बस दो रिवायतों का हवाला दे दूँ। एक तो आ ही गया और मैंने इस इन मारूजात से एक रिवायत किया, फजीलत की कितनी रिवायतें रोशन हुई, इशारे हुए। सिर्फ एक मुअज्जज़ा अर्ज़ करूँ कि बादे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मौका आया है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जिक्र कर दूं कि इस आयत में मतालिब तो अभी बहुत हैं, अब इसके नुहयिल मौता के आगे भी नक्तबो कतबा से मुराद क्या है, कतबा के रूट वर्ड में क्या मानी है, आमतौर पे क्या समझा जाता है, कतबा काफ दे बे कतबा में समझते हैं लिखते हैं, इन्होंने कह दिया लिखता हूँ, लिखने का मफहूम है। अरबी जबान में काफ ते बे इस रूट वर्ड में जमा करने के मानी है, जमा करना। किताबत को किताबत इसलिए कहते हैं कि कातिब मुंतशिर हरूफ को जमा करके लफ्ज़ बना कर लिखता है। फ़िक्हुल लुगा लिसानियात अरबी ज़बान में काफ ते बे इसमें जो मुश्तरक असली मानी हैं वो जमा करने के, इसीलिए लिखी हुई तख्ती को कतबा कहते हैं और फौज की कोई एक टुकड़ी हो उसे भी कतीबा कहते हैं। कतीबा यानी फौज की एक टुकड़ी, इसी रूट वर्ड से, चूँकि वहाँ सिपाहियों की एक टोली यकजा होती है। अब इसमें लफ्ज़ के मानी तलाश करने में फिर यहाँ कितने निकात पैदा होंगे और कितनी बहसें रोशन होंगी। नक्तबो मा कद्दमु व आथारहुम, आथारहुम से क्या मुराद है, कद्दमु से क्या मुराद है, ये एक बहस है। और जनाब वाला उसके बाद व कुल्ल शैइन अहसैनाहु, नक्तबो जब कह चुके तो फिर अहसैनाहु कहने की क्या ज़रूरत थी, नक्तबो में और अहसैनाहु में क्या फ़र्क है, ये बहस अपनी जगह है। और फिर आखिर में क्या है, फ़ी इमाम मुबीन, ये इमाम मुबीन से क्या मुराद है, इतनी बहसें हैं नहीं ज़ाहिर बज़ाहिर।
और इसीलिए तेज़ी से अर्ज़ कर दूँ, ये वाक़या अल्लामा शेख सदूक़ अलैहि रहमान ने अपनी एक से ज़्यादा तसनीफ़ात में नक़ल फरमाया है। अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल-मीज़ान में ये फरमाया कि इसका ताल्लुक़ तफसीर से नहीं, तावील से है, बातिन क़ुरान से है, तावील से। तफसीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तफसीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बातिन क़ुरान से ताल्लुक़ है। क्या? अब वो रिवायत बहुत लतीफ़ है, आप हज़रात पहले सुन चुके होंगे, लेकिन इस वक्त फिर बतौर तबर्रुक और बतौर तयम्मुन समाअत फरमा लीजिए। जब ये आयत नाजिल हुई और हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई तो बाज़ असहाब खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हमें यह आयत समझ में आ गई मगर ये इमाम मुबीन का फ़िक्रा समझ में नहीं आया, ये आयत हमें समझ में आ गई। जब इमाम मुबीन ही समझ में नहीं आया तो आयत क्या समझ में आ गई? मगर बहरहाल जाहिल उमूमन अपने जहल का एतराफ़ आसानी से करता नहीं है। साहब साहब कह दिए या रसूलल्लाह मुझे तालीम फरमाइए। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, शुरू ही में कुछ जुमले आ गए थे मेरे जबान, जहल का एक आलम इस्तेराब भी होता है, तो सवाल कर लिया, आप खामोश हो जाइए, जवाब का इंतज़ार कीजिए। फौरन ही खुद ही जवाब, या रसूलल्लाह क्या इससे तौरात मुराद है? क्या आशिकान रसूल और फरजंदान तौहीद का आलम था? कलिमा पढ़ चुके हैं, ख़ातमुन्नबीयीन का, क़ुरान के नुज़ूल का सिलसिला जारी है, मगर मोहब्बत अभी तौरात से है। या रसूल अल्लाह क्या इससे इमाम मुबीन से तौरात मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। कहा क्या इंजील मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। कहा क्या कुरान मुराद है? हुजूर ने कहा देखो वो दरवाजे की तरफ कोई आता हुआ नजर आ रहा है? मजमे ने पलट के देखा तो देखा फरजंदे अबू तालिब मौलूद काबा तशरीफ ला रहे हैं। कहा वो है इमाम मुबीन, वो है इमाम मुबीन। ये रिवायत शेख सदूक़ अलैहि रहमान ने अपनी एक से ज़्यादा किताब में नकल फरमाई। ये है बातिन क़ुरान, तफसीर से ज़ाहिर ताल्लुक नहीं, बातिन क़ुरान, तावील। तो इन्ना नहनों से लेकर इमाम मुबीन तक इस आयत में इल्मी मतालिब, हकीमाना मतालिब, फलसफियाना मतालिब, वजूदी मबाहिस और फजाइल के मतालिब बेपनाह हैं, बेपनाह। मैं सिर्फ दो बातों की तरफ इशारा करके ताकि फ़ज़ाइल व मसाइब का रब्त भी कायम हो जाए और बहस भी कायम रहे तसलसल के साथ। एक मौका वो आया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक शख्स से कहा कि क्या तुम ये चाहते हो, मैं बहुत मुख्तसर फशुरदा रिवायत को अर्ज कर रहा हूँ एहतियात के साथ ताकि किसी की खातिर शिकनी ना हो लेकिन जस्तजू भी बेदार हो जाए। कहा क्या तुम ये चाहते हो कि मैं रसूलुल्लाह से फिर गवाही दिलवाऊं कि मेरी क्या हकीकत और हैसियत है? अब कहाँ रसूलुल्लाह, हम तो उन्हें दफन कर चुके। और फरमाने हाँ। कहा नहीं, आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ा, कहाँ लेके गए? मस्जिद कुबा में दाखिल हुए तो देखने वाले ने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम मेहराब मस्जिद में मशगूल नमाज है। और फरमाने आप अपना जिस्म मिसाली इस दुनिया में वैसे उमूमन नहीं देख सकते लेकिन मुर्ता रियाजत करने वाले उरफा देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, एक अलग बहस है। हुजूर अलैहिस्सलाम मेहराब में नमाज पढ़ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने नमाज तमाम की, पलट के देखा और जो मुनकिर विलायत था उसको गैज़ व गज़ब की निगाह से देखा और बताया कि कितनी जल्द तुमने भुला दिया हमारा पैगाम। गुफ्तगू तमाम हुई,
चूँकि अब वक्त तमाम हो चुका और मुझसे इससे ज़्यादा बयान जारी रखने की शक्त नहीं। ये वाक़या गुज़र गया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो तफसील है, किताबों में मौजूद। ये ज़माना गुज़र गया, रिवायत हदीस बाकी रही अस्हाब के दरमियान। अमीरुल मोमिनीन का ज़माना गुज़र गया, इमाम हसन का ज़माना गुज़र गया, अब कुछ हज़रात इमाम हुसैन के ज़माने में आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, आका हम आए हैं आपसे एक रिवायत की तस्दीक़ के लिए, हम जानना चाहते हैं कि ये रिवायत, ये वाक़या, ये हदीस जो बयान की जाती है दुरुस्त है या नहीं। इमाम ने फौरन फरमाया, तुम क्या मस्जिद कुबा के वाक़े के बारे में पूछना चाहते हो? का मौला हमारी जानें निसार हो जाएं, हाँ बिल्कुल हम मस्जिद कुबा की रिवायत के बारे में पूछना चाहते हैं। का आओ बैठो मेरे करीब, कुछ कलिमात जबान पर जारी फरमाए। का देखो तो ज़रा नज़र उठाकर, जबान से नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये रिवायत सही है, देखने वाले अब मस्जिद कुबा देख रहे हैं, मस्जिद कुबा का पूरा वाकया अपनी निगाहों से देख रहे हैं, आलम जमान में रहते हुए आलम दहर के मनाजिर देख रहे हैं। वाजे हुई है क्यों इतनी फिलॉसफी मैंने बयान करने की, आपको सुनने की जहमत दी? आलम जमान में रहते हुए आलम ये दौर भी गुजरा, यही बात खत्म नहीं होती, यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने, फिर अब जमाना गुजर गया, इमाम हुसैन गुजर गए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जमाना गुजर गया, इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना गुजर गया, और फिर जमाना आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का। कुछ लोग फिर आए, आका आपसे एक रिवायत के बारे में पूछना है। कहाँ? मस्जिद कुबा वाली रिवायत के बारे में। यबना रसूलिल्लाह, फर्जंदे रसूल, बिल्कुल उसी रिवायत के बारे में। कहा आओ तुम भी देखना चाहते हो वो वाकया जो गुजर चुका था दोबारा, मासूम ने हुज्जत खुदा ने वो वाकया दिखाया, ये मोजजात ज़ईफ़ नहीं है, इन्हीं मकामात और मलकात और तसरुफात की बिना पर कोई इमाम मासूम साहिब आसर जमान कहलाता है। हम लोग इब्नुल वक्त हैं, ये अबुल वक्त हैं, हम लोग फरजंदे खाक हैं, ये अबू तुराब है। हम फर्जंदे जमा हैं, ये मुतसर्रिफ है जमाने पर, जब चाहे जमाने की चादर को समेट दें, इनकी मर्जी हो तो परवरदिगार अभी कयामत बर्पा कर दे, मगर ये इनका सब्र है कि इन पर कयामतें गुजर जाती हैं, मगर ये नहीं चाहते कि अल्लाह के बंदों पर कयामत टूट पड़े। बस गुफ्तगू खत्म, इनका सब्र है। तसर्रुफ देखिए, यही तसर्रुफ, जमान पर तसर्रुफ और मकान पर तसर्रुफ, ये इमाम को खुदा अता फरमाता है। इमाम हुसैन मदीने में हैं, जनाब उम्मे सलेमा से रुखसत हो रहे हैं, आप उमूमन सुनते रहते हैं ये रिवायतें, मिंबर पर हमेशा पढ़ी जाती हैं। आपने देखा कि इसमें फजीलत के पहलू कितना है, इसमें हकीमाना हकायक कितने हैं, कि जब जनाब उम्मे सलमा ने कहा बेटा हुसैन कहीं भी जाना इराक न जाना, करबला न जाना, मैंने तुम्हारे नाना से सुना है कि तुम वहाँ कत्ल कर दिए जाओगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया या उम्मा, ए मादर गिरामी, क्या आप समझती हैं कि मुझे नहीं मालूम है? अगर आप फरमाएं तो मैं उस नशेब को भी दिखा दूं जिस नशेब में मेरा सर कलम किया जाए। और उसके बाद इमाम ने दिखाया
इशारा किया, ज़मीनें पस्त हुई, ज़मीन करबला बुलंद हुई। उस नशेब से एक मुट्ठी खाक ली और जनाब उम्मे सलमा के सुपुर्द किया। मादर गिरामी जद्द माजिदा, इस खाक को भी उस खाक के साथ रख लीजिए जो नाना आपको दे कर गए हैं, और जब ये खाक खून से बदल जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका बेटा हुसैन, आपका नवासा हुसैन शहीद हो गया। ये तसर्रुफ है, ये मकान पर तसर्रुफ है, जमान पर तसर्रुफ है, और खुद रोज़ आशूरा। आम तौर पर यह समझा जाता है कि रोज़ आशूरा यही 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का था। कितनी कुर्बानियां दी हैं सैयद सरकार सैयद शुहदा ने, कितने मसाइब हैं, कितने वाकयात हैं जो एक दिन में पेश आए। अगर आप सोचिए आम तबीयी हालात में तो ये 10-12 घंटे की जंग नहीं थी, ये कई दिन के वाकयात थे जो एक दिन में हुए हैं। ये इमाम का तसर्रुफ था जमान पर कि सूरज ठहरा रहा, कायनात देखे हुसैन किस शान और शिकोह के साथ कुर्बानियां दे रहे हैं, किस शौकत के साथ, किस हशमत के साथ, किस जुर्रत के साथ, किस सब्र के साथ हुसैन कुर्बानियां दे रहे हैं। आका हुसैन की शहादत पढ़ने का हर वक्त न मौका होता है, न इतना हौसला होता है, इतनी ताकत नहीं होती। आका हुसैन की शहादत, उफ़ अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं बस एक जुमले पर अब ख़त्म कर दूंगा। आपकी आंखों में आंसू हैं, आवाज़ें बुलंद हैं। आका ने किस तरह कुर्बानियां पेश की हैं और कैसा कैसी कुव्वत सब्र ज़ाहिर हुई है सरकार सैयद शुहदा से, कैसी कुव्वत सब्र। हर शहादत अपनी जगह अजीम और अलमनाक है, मगर सरकार सैयद शुहदा की अल्लाह अकबर। मैं हालांकि शुहदा की ईसाले सवाब की मजलिस है, और उमूमन भी किसी बुज़ुर्ग के ईसाले सवाब की मजलिस होती है तो रस्मन हमारे यहाँ इमाम हुसैन ही के मसाइब पढ़े जाते, ख़ास इमाम की शहादत। मगर इस वक्त तसलसल कलाम को बस यहाँ रोक देता हूँ। आका की शहादत पढ़ने की इस वक्त सकत नहीं है, जुरत नहीं, ताकत नहीं है मेरे देश में। लेकिन उससे पहले जो शहादत हुई बस उसकी तरफ इशारा कर दूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस हशम के साथ, किस कुव्वत सब्र के साथ कुर्बानियाँ पेश की हैं। उमूमन बहुत से बुज़ुर्ग उस असातिज़ा को खुतबा को भी मैंने सुना है, शुआरा में बेख्तियार एक शायर याद आ गया, उनके ये दो मिसरे में कभी कभी मिंबर पे मकामी मसाइब में पढ़ता हूँ। जनाब शायर सफ़ीना, मरहूम शायर सफ़ीना कासिम शब्बीर नकवी नसीर आबादी मरहूम, परवरदिगार उनको जन्नत नसीब फरमाए, बुलंदियाँ अता फरमाए। छोटी बहर में दो मिसरे हैं मगर किस क़यामत के हैं, बस एहसास शर्त है, एहसास शर्त है। अज़ीज़ा ने गिरा में किसी मुसीबत की तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, अश्क बारी के लिए, सरोसीना पीटने के लिए, मातमदारी के लिए एहसास की बेदारी शर्त है, एहसास की बेदारी शर्त है। अगर एहसास बेदार है तो समझिए कि फरमाते हैं हश्र तक सोच अदल इंसानी, हश्र तक सोच अदल इंसानी, सिर्फ असगर का खून बहा क्या है। हश्र तक सोच अदल इंसानी, सिर्फ असगर का खून बहा क्या है। ये जनाब हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत के ज़िम्मे हमने बाज़ बड़े ख़तीबों को सुना जो साहिब इल्म भी थे, उनकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ तो मुझे हैरत हुई। वो जो वाक़या है आप हजरत जानते हैं कि शहादत के बाद 6 माह की
मैयत को लेकर हुसैन सात मरतबा खैमागाह की तरफ बढ़े और सात मरतबा फिर पलट के पीछे आए। आप में से हर एक रोज़ आशूरा इस सुन्नत हुसैनी को आमाल आशूरा में भी शामिल करता है। बाज़ हज़रात से मैंने ये सुना, हैरत हुई कि वो कहते थे या कहते हैं कि आका हुसैन ने बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त की, बहुत सब्र किया, मगर ये एक ऐसी मुसीबत थी कि गोया इसमें भी हुसैन को तरद्दुद था, इस्तिराब था। मैं कहता हूँ कि नहीं, तरद्दुद और इस्तिराब की बात ना कीजिएगा। आका हुसैन को कभी इस्तिराब लाहिक न था। इस आसमान के नीचे आका हुसैन इस बारे मुसीबत को उठाकर नाज फरमा रहे थे, ऐ चश्मे फलक देख इतनी बड़ी मुसीबत है मगर कहीं पाए हुसैनी में लफ्ज़िश है। सात मरतबा आगे बढ़े, सात मरतबा पीछे, क्या इहतमाम है, किस तरह इमाम ने कुर्बानियां पेश की हैं। मजलिस तमाम हो चुकी है लेकिन बस आखिरी फ़िक्रा अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि जो फ़वाइल में इल्मी बहस थी वो भी तमाम हो जाए और जो मुश्ता है आप में से हर एक के लिए। सब आए दिन यहाँ इसाले सवाब की मजलिसें होती रहती हैं और हर जगह होती रहती हैं। परवरदगार वो रहीम है, वो करीम है कि जिसने ऐलान फरमाया है कि हमारे मोमिन बंदे जब तक राज़ी नहीं हो जाते हम फरिश्तों से नहीं कहते कि इनकी रूह कब्ज़ करो। अपनी अपनी अहमियत समझ के उठिएगा फर्श अज़ा से, अपनी अपनी अहमियत, और इस हिस्से ज़िंदगी की कदरदानी कीजिएगा, इस जिस्म जान की कदरदानी कीजिएगा। जब तक हमारे बंदे राज़ी नहीं हो जाते हमसे मुलाकात के लिए, हम जबरन उन्हें तलब नहीं करते हैं। ये इहतमाम कुदरत है, ये इहतमाम कुदरत है। करबला में भी ये हुआ, इमाम हुसैन ने पहले आजमाया और पहले इजाज़त दी, जाओ चले जाओ अपने घरों को चले जाओ, शब आशूर अपने अपने घरों को चले जाओ, अगर तुम्हें शर्म है, गैरत है, गैरत माने है, शर्म माने, हमारे अहले बैत में से एक एक बच्चे का हाथ पकड़ो और चले जाओ, इसलिए कि सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। लेकिन जब कोई नहीं गया, इम्तिहान में कामयाब हुआ, तो फिर इमाम ने यहाँ भी इस आलम जमान में रहते हुए कहा, ठहरो, अब तुमने अगर ऐसा अज़्म दिखाया है तो शहादत से पहले, कत्ल होने से पहले, मरने से पहले अपनी अपने मकामात देख लो, जन्नत में देख लो तुम्हारा मर्तबा कहाँ है। ये इमाम वक्त है जो हिसारे जमान में रहकर हिसारे दहरो सरमद में आपके मकामात दिखा रहा है। ये इमाम वक्त, इससे मुतवस्सिल रहें, अपने अकायद को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, इस इमाम के फ़ज़ाइल को बयान करें, इसके मसाइब को बयान करो करें, शक में मुब्तला ना हो, शुबहात में मुब्तला ना हो, दीन को संभाल रख कर रखें, हालात जैसे भी क्यों ना हो, कैसे ही क्यों ना हो, हालात को संभाल कर रखें और हमेशा दुआ करते रहें, परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरे औलिया का, परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरी किताब का, परवरदिगार तुझे वास्ता है सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन का। हमको कुव्वत सब्र अता फरमा इस मुल्क में और हर जगह जहाँ भी हालात नासाजगार हैं, परवरदिगार हमें कुव्वत सब्र अता फरमा, परवरदिगार ईमान पर साबित रहने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार ये हमारी आँखें हमेशा तेरे औलिया के गम में अश्कबार रहें, परवरदिगार ये हाथ दिया है और ये सीना दिया है तो ये तौफीक दे के हमेशा हम तेरे इश्क में तेरे चाहने वालों का गम मनाएं और मातमदारी करते रहें, परवरदिगार हमारी मुश्किलात को हल फरमा, परवरदिगार हमारे जवानों को इल्म और इक्तसाद में मजबूती अता फरमा, परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा, परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और अपने हाथों से, उनके हाथों से अपनी रहमत और आफत और अदालत का परचम लहरा दें। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़कर फिर तमाम शुहदाए राह खुदा, शुहदाए इस्लाम, मोमिनीन मोमिनात और आशिकान अहले बैत की रूहों को ईसाल फरमाएं।